बिहार से। कहाँ से? बिहार से। हाँ बिहार। बिहार से कहाँ? बिहार से सासाराम। सासाराम बैग उतार लो, बैग उतार लो। बीनगर में काम करते हैं। हाँ करियर चलाते हैं बीनगर में। अच्छा दियो लग बैग उतार लो आराम से। तो आपको यहाँ के बारे में किसने बताया? मतलब एक लड़की बताई थी, रानी नाम की लड़की थी। अच्छा उसके दोस्त ने मदद किया क्या? अच्छा वो बताई थी भैया मतलब सिखाते हैं, तो हम गए सीखने के लिए आते हैं। किस चीज़ का तैयारी करना? बीएसएफ मतलब बीएसएफ रानी मतलब। पेपर हो चुका? नहीं अभी पेपर नहीं हुआ है, मतलब पहले रनिंग है उसके बाद पेपर होगा। कहाँ? वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में रनिंग होगा, फिर उसके बाद पेपर होगा आपका। उसके बाद पेपर होगा, उसके बाद मेडिकल। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आप पहले सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करा लो। लेकिन अकेडमी का एक नियम है, अकेडमी का नियम ये है साथियों, आप इधर बताओ इनको। अकेडमी का नियम ये है कि जो भी काम करना मन से करना, क्योंकि आपको 100% अपना देना है, आपको अपने देश के लिए बलिदान देना है। क्योंकि देखो पैसे के लिए डिफेंस में नहीं जाता है, डिफेंस में जाना है तो पूरा दिल लगाओ, पूरा दिल लगा दो कि मुझे डिफेंस में ही जाना है, पैसे के लिए नहीं कमाना है, अपने देश का शान, अपने देश का नाम ऊंचा करना है साथियों। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ तैयारी एकदम तगड़ी करो, रिटेन फिजिकल दोनों की तैयारी एकदम तगड़ी होनी चाहिए। ये सभी बंदे पुराने बंदे ये सभी तैयारी करते हैं, जैसा कि इन्होंने गेम भी खेल रखा है। और ये मेरे भाई हैं अभी आए हुए हैं बिहार से, तो इनके लिए अब क्या करते हैं, अब मैं पूरी जान लगा दूंगा कि पूरी मेहनत करवाना, क्योंकि जो भी होगा इनका 5 किलोमीटर का रनिंग निकलवाना ही निकलवाना है। 5 किलोमीटर का रनिंग है ना? यस सर। 24 मिनट में। 24 मिनट में, डोंट वरी, आपका एक हफ्ते में आपको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो आप क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करवा लो, जहाँ पे भी रहो जैसे भी रहो तैयारी एकदम तगड़ी रखो। आप देख रहे हो ये मेरे गुरुजी हैं, ये भी मेरे गुरुजी हैं, इन्हें मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। इनसे मुझे बहुत साहस मिलती है कि तू देश का नाम रोशन कर, तू देश को आगे लेके जा। इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला साथियों, जैसा कि मैं बता रहा था। गाँव मतलब भादी है, भादी पोस्ट 67 पोस्ट 67 67 एस ए आई एस ए आर एस आई एस ए आई आर एस ए एस ए आई आई एस ए आर एस ए आर सेंसर। उसके बाद पुलिस स्टेशन दिनारा जिला रोहतास ससाराम बिहार। साथियों आप जब भी आओ अपने गार्जियन के साथ आओ, या तो अगर आ रहे हो अकेले आ रहे हो तो अपने गार्जियन से एक बार फ़ोन पे बात करा दो, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि उनका बच्चा यहाँ पे है, उनका बच्चा यहाँ पे तैयारी कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे तैयारी मन से कराई जाती है साथियों। आप देख लो रजिस्ट्रेशन हो चुका है इनका, और आज शाम से इनकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, और रनिंग पूरे मन से कराई जाएगी। चलो 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 और दिखाओ, हॉस्टल की भी फैसिलिटी दिखा रहे हैं। इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड वाले हॉस्टल में साथियों देख रहे हो, ये सब भी हॉस्टल के ही बंदे, आप देख रहे हो ये सब भी यहाँ पे अभी केला खा रहे हैं। आप देख रहे हो ये रक्षाबंधन में इन्हें घर जाने के लिए छुट्टी दिया जा रहा है, आप देख सकते हो जैसा कि। और ये हमारा हॉस्टल आप देख लो, ये देखो हॉस्टल आप देख रहे हो साथियों, हॉस्टल है ये, ठीक है ये आपको हॉस्टल है, आप देख रहे हो पूरा सेटअप देख लो, ठीक है पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ का इनका यहाँ पे सेटअप दिया गया है, आप देख लो
आप रूम देख सकते हो, आप आराम से यहाँ पे रेस्ट करो, जैसा आपको खाना पीना जो भी लगे, ठीक है। आप पूरा एकदम प्रॉपर बताओ कि आपको खाना पीना कैसा मिल रहा है, आपको रहना कैसा मिल रहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत हो डायरेक्ट बताना। यस सर। और आपको यहाँ बाथरूम में दिखाता हूँ साथियों, साथ ही साथ आपको फैसिलिटी कैसा दिया जा रहा है हॉस्टल का, आप देख सकते हो। ये टॉयलेट का फैसिलिटी है, देखो इंग्लिश टॉयलेट दिया, शावर और सब कुछ दिया हुआ, देख दिखाओ अच्छे से दिखाओ। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि कैसा टॉयलेट है, कैसा क्या है, रहने खाने की व्यवस्था कैसा है। आपको बहुत जल्दी, आपको हर एक चीज़ के लिए मैंने अच्छे से सुविधा बना रखा है, जैसा कि आप देख रहे हो। आपको बस रहना खाना, हॉस्टल का फीस ही देना है और कुछ नहीं देना है साथियों। आपको यहाँ पे ट्रेनिंग फीस नहीं देनी है, पढ़ाई की जो कोचिंग की फीस होती है आपको बस कोचिंग की फीस देनी है और किसी चीज़ की फीस नहीं देनी है। जय साथियों, जय।